हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आपके इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में खेले जाने वाला जो आपका नेक्स्ट इंग्लैंड आयरलैंड ODI का मैच है, उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे दोस्तों जिनको हमें इंग्लैंड की टीम से पिक करना है, कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जिसको हमें आयरलैंड की टीम से पिक करना है, उसके बारे में ही आपको बताया जाएगा दोस्तों इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो बहुत सारे अपडेट्स आप मिस कर जाओगे। तो पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना है। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पर हमारी फाइनल टीम आती है दोस्तों। स्मॉल लीग्स की, ग्रैंड लीग्स की, सभी जगह की फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है दोस्तों। ये देखिए स्मॉल लीग की फाइनल टीम। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हमारे टीम की विनिंग्स भी हम यहीं पर शेयर करते दोस्तों। ये देखिए हमारी विनिंग्स, एक बार आप देखिए कितनी थी हमारी विनिंग्स। ये देखिए दो हेड टू हेड हमने ज्वाइन किया स्मॉल लीग की टीम से, इसमें हमने एक तरफा विन किया स्मॉल लीग की टीम से। हमारी जो टीम हमने स्मॉल लीग किया उसमें हमारी रैंक कितनी थी, 46। उसमें हमारी रैंक कितनी है दूसरे कॉन्टेस्ट में, कितनी है दोस्तों, 87th है दोस्तों। अगर आपको भी जीतना है ना इसी तरह, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एशिया कप में टीम की जो परफॉर्मेंस है वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों एशिया कप की परफॉर्मेंस दोस्तों आपके सामने है। हमारे टीम के कैप्टन कौन से फाइनल में, मोहम्मद सिराज दोस्तों। इनको कौन नहीं जानता, मोहम्मद सिराज इंडिया के अभी के सबसे बेस्ट बॉलर जो उभर के आए दोस्तों एशिया कप में, मोहम्मद सिराज ये हमारे कैप्टन है दोस्तों। सभी ने बोला कि स्पिनर का ग्राउंड है दोस्तों, स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलेगा, पर हम ये जानते थे कि स्पिनर नहीं, ये फास्ट बॉलर का ग्राउंड होगा दोस्तों, ये फास्ट बॉलर्स को ही विकेट मिलेंगे और मोहम्मद सिराज विकेट्स ज़रूर लेंगे, हमें पता था, इसलिए हमने इनको कैप्टन ज़रूर बनाया था दोस्तों, है ना। तो अगर दूसरे टीम मैच की बात करिए, देखिए इसमें हमारे कैप्टन कौन थे, श्रीलंका सॉरी बांग्लादेश और इंडिया का मैच था, इसमें हमारे कैप्टन कौन थे, मोहम्मद शमी दोस्तों हमारे कैप्टन थे। वाइस कैप्टन कौन थे, शुभमन गिल। इसमें भी हमने एक तरफ इनके तंजीब साकिब, हमारे ट्रम्प कार्ड चले, मुस्तफिजुर रहमान चले, शार्दुल ठाकुर ने 100+ पॉइंट्स दिए, मतलब हर एक प्लेयर ने हमें जिताया दोस्तों, जिताने की सारी कोशिश की। तो नसीम अहमद भी हमारे टीम में आ चुके थे दोस्तों। पर अगर आपको भी इसी तरह जीतना है दोस्तों, अगर आपको भी इसी टीम के साथ खेलना है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो चीज़ करना है वो है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को दोस्तों। दूसरा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है दोस्तों, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पर ही हम अपनी फाइनल टीम्स आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ना है दोस्तों हमारे, क्योंकि टेलीग्राम पर ही हम अपनी फाइनल टीम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों, है ना। और सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपको नहीं तो हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं, उससे पहले दोस्तों ये देखिए सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, ये देखिए सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और ये देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया दिया दोस्तों, जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पर ही अपनी फाइनल टीम मिलेगी। अगर अभी बात करें इस मैच की, तो सबसे पहले हम मैच पर चलेंगे, उससे पहले ओवरव्यू बता देते हैं मैच की। इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच है, मतलब क्या दोस्तों, इंग्लैंड फेवरेट है मैच जीतने की। तो इंग्लैंड के टॉप के, अगर पहले मैं स्मॉल लीग की टीम के आपके सजेशन देता हूँ, किस मेंटेलिटी के साथ, किस सोच के साथ आपको स्मॉल लीग की टीम बनानी है इस मैच की। इंग्लैंड की टीम ज़्यादा मजबूत है, तो आपको 7 और 4 का कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, जहाँ पर आपको 7 प्लेयर्स मैक्सिमम एक टीम से ले सकते हो। अगर ड्रीम 11 की बात करें, या फिर बैट बॉल 11, या फिर आप माई मास्टर 11, जहाँ पर हमारी
इन्वेस्टमेंट रहती है दोस्तों, माई मास्टर इलेवन और बैट बॉल इलेवन, वहाँ पर आपको 10 प्लेयर भी एक टीम से ले सकते हो दोस्तों, पर 10 प्लेयर को नहीं, हम 8 और 3 का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो दोस्तों इंग्लैंड और आयरलैंड की टीम में, क्योंकि इंग्लैंड ये मैच आराम से जीत जाएगी दोस्तों, ईजिली जीत जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि आयरलैंड इनको कॉम्पिटिशन देगी नहीं दोस्तों, आयरलैंड की टीम भी इनको इंग्लैंड को कड़ी टक्कर देगी दोस्तों, पर जीतेगी इंग्लैंड ही, पर टक्कर आपको आयरलैंड बराबर देते हुए दिखेगी इंग्लैंड की टीम को, है ना। तो दोस्तों अगर मैच के बारे में बात करें, सबसे पहले मैच पर चलेंगे, क्रिएट टीम बताएंगे, उसके बाद अगर बात करें कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है जिनको आपको टीम में रखना है, उससे पहले आपको प्लेयर्स के बारे में बता देते हैं। फिल सॉल्ट ओपनिंग कर रहे हैं किंग्स के साथ, जैक क्रॉली के साथ, जिन्होंने लास्ट के गेम में ना 0 पर आउट हो गए थे दोस्तों। यहाँ से फिर आपके आएंगे दोस्तों विल जैक्स, फिर आपके आते हैं दोस्तों बेन डकेट, फिर आपके आएंगे जेडन स्मिथ, जेमी स्मिथ, फिर आपके यहाँ से बॉलिंग की बात करें ब्रेंडन कार से आपके 10 ओवर बॉलिंग करेंगे, यहाँ से ब्रेंडन कार से करेंगे, यहाँ से एम पॉट्स करेंगे स्क्रीनशॉट, टॉम हार्टली ओवरटन तो खेल रहे, रिहान अहमद और विल जैक्स की ये आपको पार्ट टाइम बॉलिंग दे देंगे। तो ये छः प्लेयर्स मिलकर ही आपको 10 ओवर बॉलिंग करेंगे दोस्तों। तो ये 10 प्लेयर को आपको टीम में रखना है, 6 प्लेयर को आपको टीम में रखना है। तो अगर हमारे टीम की बात करें, हमारे टीम में कौन होंगे, 2 प्लेयर्स जो मेरे लिए पक्का होंगे, एक तो विल जैक्स और दूसरे रेहान अहमद दोस्तों, ये 2 प्लेयर्स अपने टीम में पक्का होंगे, ऐसे ट्रम्प कार्ड भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे स्क्रीन शॉट या से ब्रेंडन कार्स, ये 3 बॉलर्स एक बैट्समैन। अगर मुझे किसी एक पर लगे जैक क्रॉली लास्ट के गेम में 0 पर आउट हो गए थे दोस्तों, पर आज के मैच में ये ज़रूर स्कोर करेंगे, तो ये 7 प्लेयर्स अपने टीम में पक्का हो जाएंगे। मुझे अगर किसी और एक और प्लेयर को लेना पड़े, वो कौन होंगे दोस्तों, वो होंगे दोस्तों यहाँ से अभी के लिए 7 प्लेयर्स को रखते हैं, बाकी मुझे 8वां प्लेयर कौन है वो मैं आपको आगे भी घर बताऊँगा। तो अगर आयरलैंड की टीम की बात करें, जो टीम थोड़ी कॉम्पिटिशन तो ज़रूर देगी दोस्तों, यहाँ से एल टक्कर आपके लिए ग्रैंड लीग में सी और वी सी के ऑप्शन बन जाएगी, नील रॉक का पता नहीं क्यों इनको टीम चांस नहीं दे रही, बहुत तगड़े हिटर है दोस्तों, यहाँ से पॉल स्टार्लिंग और एंडी बलवरीन तो आपको ओपनिंग करके, डॉक करेल फिर टेक्टा आएंगे बैटिंग करने के लिए, डॉक करेल की बात करें बैटिंग और बॉलिंग दोनों से इन्होंने परफॉर्म किया, और इस मैच में भी इनसे मुझे उम्मीद है अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। यहाँ से इस टीम के सबसे बढ़िया प्लेयर कुर्तिस कैम्फर है दोस्तों, पता नहीं इनको बॉलिंग क्यों नहीं दी जा रही दोस्तों, यहाँ से क्रेग यंग और बेन मैकार्थी अपने टीम में पक्का, उसके बाद यहाँ से मार्क केडायर दोस्तों, मार्क केडायर की बात करें ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपकी बन जाएगी उसी प्लेटफॉर्म की टीम जहाँ पर आपको 7 और 4 का कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। अगर किसी और टीम की बात करें, यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, मैकार्थी या फिर मार्क केडायर में से किसी एक को ड्रॉप करके दोस्तों यहाँ से आपको लेना है एक और बॉलर जो कि टॉम हार्टली होंगे दोस्तों, टॉम हार्टली को या फिर एम पॉट्स को, इन दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में ट्राई कर देना है। बाकी अगर कैप्टनसी की बात करें, मेरे जो कैप्टन होंगे दोस्तों वो होंगे दोस्तों विल जैक्स, वाइस कैप्टन मेरे रिहान अहमद ही होंगे, मैं अपना वाइस कैप्टन चेंज करके शायद यहाँ से अपने टीम का वाइस कैप्टन बना दूँ बेन डकेट या फिर जैक क्रॉली को, जो लास्ट के गेम में 0 पर आउट हो गए थे, पर इस मैच में मुझे इनसे बहुत तगड़ी स्कोर की उम्मीद है, तो ये मेरे वाइस कैप्टन बन सकते हैं, पर अभी के लिए मेरी टीम ही लगभग फाइनल है। अगर इसमें मैं कुछ चेंज करता हूँ दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा, लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, ज्वाइन ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर ने सब्सक्राइब ज़रूर करना, बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, उससे पहले दोस्तों ख़त्म करने से पहले ये वीडियो आपको बता दो, अगर आप जीतना चाहते हो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना है हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।